हैप्पीनेस की बात हो रही सर मेरा सर एक कमेंट है एक सवाल है हालांकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है सर मैं जानना चाहता हूँ कि कैन अ पर्सन नॉट बी स्पिरिचुअल बट बी हैप्पी क्या स्पिरिचुअल होने के बगैर इंसान खुश हो सकता है कि नहीं और सर एक और इसके साथ बस मैं सर जो ऑब्जर्व करता हूँ कहीं ना कहीं सर व्हेन वी गिव वी फील हैप्पीनेस सर इज गिविंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बीइंग हैप्पी ये दो चीजें सर स्पिरिचुअलिटी एंड गिविंग तो इस पे थोड़ा सा अगर आप देखो मैं तुमने जो दोनों बातें कही उससे मैं पूरा इत्तेफाक पहली बात तो ये है कि मेरा ये पूरा पूरी तरीके से मानना है और मैं इसको प्रैक्टिस भी करता हूँ कि लाइफ में बिना गिव दिए को आपको खुशी मिल नहीं सकती बिना विदाउट गिविंग अदर्स और गिविंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द हैप्पीनेस और गिविंग नॉट ओनली गिविंग बट गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन देखिए जैसे आप बच्चों के फैमिली में ले लीजिए आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं दो तरीके से एक तो कि आपके एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये करूंगा तो ये करेंगे ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा आप करने में ही आपको मजा आ रहा है कि मैंने बच्चे के लिए कर दिया बच्चे की जिंदगी सुधर गई बच्चे की जिंदगी बेहतर हो गई ये तो मैं सिर्फ फैमिली कॉन्टेक्स में बता रहा हूँ आप इसी तरीके से दुनिया को अपनी फैमिली मान के किसी और आदमी के लिए भी करके देखिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मुझे एक्चुअली पढ़ाने का शुरू से बड़ा शौक रहा तो मैं मेरे घर के सामने एक पूरा भी मैंने ऐसा भी किया था कभी देखना बहुत पहले डेढ़ दो साल पहले एक बंदा था उसका नाम था नवीन कपूर तो नवीन कपूर मेरे छोटे भाई का दोस्त था आनंद उसका फ्रेंड था एंड ही वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडी उसके हाई स्कूल में 50 नंबर आए थे मैथ्स उसकी मार्क्स थी मैथ्स और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे तो फिर वो मैं उसको पढ़ाने के लिए जाता था क्योंकि ब्रदर का फ्रेंड था उन्होंने कहा बेटा गाइड कर दिया थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाने के लिए जाता था उसको पढ़ने में मज़ा आता था तो मैं मेरे पढ़ाने में फिर मैं कई बार ऐसा होता था उस समय मैं फाइनल ईयर बीटेक में था जब वो ट्वेल्थ एग्जाम दे रहा था तो कई बार तो ऐसा होता था कि एक एक सीटिंग हमने 7-7-8 घंटे की सीटिंग 10 बजे बैठे 1 बज गया आंटी ने खाना दिया खाना खाया खाने खाने के बाद में पूरा पढ़ाई करी 2-3 दिन के लिए घर आते थे एंड ही वाज अ गुड स्टूडेंट ही वाज अ गुड लर्नर और उसके बाद में क्या हुआ कि उसका पहले अटेम्प्ट में ही इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया उस जमाने में एमएनआर होता था आईआईटी रूट के एमएनआर जिसको हम यूपी टीम कहते हैं उसमें उसकी अच्छी रैंक आ गई थी 500-600 और पहली बार में सिलेक्शन हो गया सुल्तानपुर गया उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया उसके पेरेंट्स हमें और वो हमें अभी तक भाई भैया ही बोलता है कि कभी फेसबुक पे देखोगे मेरी अगर कोई पोस्ट होगी तो शायद सबसे पहली रिप्लाई या रिस्पॉन्स उसका है और उसके मतलब मम्मी पापा तो कहने की बात ही नहीं जब भी जाते थे कोई उसके दोस्त आए हैं गेस्ट आए हैं उनके सामने कहते थे कि भाई अवधेश ने जो है वो विशु की जिंदगी बना दी तो घर का नाम विशु मैं जब आईआईटी में था तो मैं आईआईटी में जब मैंने सिविल सर्विसेज दिया तो सिविल सर्विसेज देने के बाद में मेरे पास में कुछ समय था मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं थी तो मैंने कुछ ट्यूशन किया कुछ ट्यूशन करने के दौरान भी मैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता था ये जो आपकी नीलगिरी जो अपार्टमेंट था उसके लिए तो मैंने वहाँ भी पढ़ाया उसके मुझे तनख्वाह भी थी 100 रुपये घंटे का उस समय पेमेंट होता था तो क्या हुआ जब मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया तो प्रदीप जो हमारा प्रदीप कुमार जो हमारे एक कुली है 19 बैच की है वो उसी कॉलोनी में रहते थे और उनके घर के 2-4 घर के बगल में ही वो जो बच्चा था जिसको पढ़ाने के लिए जाता था तो मैं वहाँ पे गया मैंने कहा चलो मिलते हैं आई थिंक सी विल वेरी हैप्पी कि मैं पढ़ाया था उसको उसका सिलेक्शन भी हो गया तो मैं जब वहाँ पे गया तो उसके पेरेंट्स भी मिले सब लोग मिले बट देयर वाज नो रिस्पांस इन द सेंस दैट नो वार्म थिंग एंड लाइक दैट ठीक है उन्होंने बुलाया अच्छा हाँ हाँ आप आते हैं आई रियलाइज दिस कि देखो जो चीज़ हमने दी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और सिर्फ प्रेम से दिया वो 20 साल के बाद में भी हमारी वो इतनी इज्जत करता है नवीन अभी की मुझे भैया बोलता है और मतलब आप समझ लो कि उसकी बिल्कुल मतलब लाइक माई रियल ब्रदर और दूसरी जगह मैंने एक वही चीज़ किया एग्जैक्टली वही चीज़ किया लेकिन उसके साथ में बिजनेस इन्वॉल्व था तो उसने कहा ठीक है तुमने मुझको पढ़ाया मैंने तो पैसे दिए कहानी खत्म
So I did not get the type of pleasure and joy which I get while giving something. So when you are giving something, there is absolutely no joy. In fact, I have got a theory on that. And I said that material and spiritual things are connected with each other. When you give something materially and don't think the material things in return, then you get the spiritual gift now. तो उस तरीके से अगर आप कोई चीज करें तो आप जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डालें, हमारे यहाँ जो कहावत कही जाती है, जब आप कोई नेकी करते हैं तो आप बिल्कुल ये मान लें कि आपने दरिया में डाल दिया हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करो, जहां आपने एक्सपेक्ट किया तो वो आपको दुखी दुख देगा। एक तो देखो ये गिविंग वाला हो गया, पहला पार्ट तुम्हारा क्या स्पिरिचुअल? देखिये पहली बात तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो स्पिरिचुअल नहीं है। As I read somewhere, which I believe that man is a journey from animal to divine, and we are all in different stages of spirituality. Some may be a lower stage, some may be at a middle stage, some may be at a higher stage. So everybody is spiritual, and everybody has different degree of spirituality. Now the question is that, if you do not have that level of spirituality or high level of spirituality, can you be happy? So, देखिए spirituality comes in a different level. जैसे all start, as I say that basically there are four layers of human person: physical, emotional, mental, and spiritual. Everybody start with a physical level. और हम सब physical level से pass होते हैं। उसके बाद में अगर आप ग्रो करते रहते हैं तो आप उसके हायर लेवल पे मेंटल लेवल पहुंचते हैं, फिर स्पिरिचुअल लेवल का मतलब लव अफेक्शन वहां पहुंचते हैं, फिर फाइनली आप स्पिरिचुअल लेवल पे जब पहुंचते हैं तो आप गॉड बिकम वन। सो इट्स अ प्रोसेस, वी आर ऑल इन द डिफरेंट स्टेजेस। द मोर यू मूव टुवर्ड द स्पिरिचुअल लेवल, द ग्रेटर टाइप ऑफ ब्लिस यू विल गेट। ब्लिस इज समथिंग व्हिच इज नॉन मटेरियल, जैसे आपको आप खुश है बताओ उसका कोई कारण नहीं है, बट एवरीबॉडी इज स्पिरिचुअल टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड दोज हु आर लेस स्पिरिचुअल will gradually realize, when they will realize that जितने भी physical चीजें हैं उससे उनको बहुत दिन तक खुशी मिलेगी, they will naturally move to that। spirituality जो है लोगों यार मेरे हिसाब से spirituality की जो technical definition उसमें नहीं आते हैं। spirituality का मतलब सिर्फ ये है कि अपने को समझना, you go and understand your own spirit as to what you are, what gives you joy, what makes you happy, what gives you joy। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से करें तो ये है कि जो एक अपना सीक्रेट आप जानते हैं, अपने बारे में आप जानते हैं, और जो अपने बारे में जानते हैं तो नेचुरली आप दुनिया को जान जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर एक बंदा वही है, जो हमें आदमी एक विलन लगता है ना कि आदमी बहुत ही खराब आदमी है, वो सिर्फ इसीलिए लगता है कि हम उसको एक्चुअली जानते हैं, उसके सिर्फ एक एक्शन से जानते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसके दिमाग पर तो जो क्रिमिनल है वो दुनिया का सबसे गंदा आदमी है, लेकिन अगर वो हो सकता है क्रिमिनल क्यों क्राइम कर रहा है, अगर उसके कारणों के बारे में जाने या उसको अच्छे तरीके से समझे तो हो सकता है उसके बारे में उतनी उसकी नेगेटिव धारणा नहीं हो। इसीलिए मैंने बताया जो फ्रेंड्स प्रभाव है, यू टू अंडरस्टैंड ऑल इज टू फॉरगिव ऑल।